फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्मार्ट एंड हेल्दी किचन। आज की मेरी रेसिपी है आलू और पालक की सब्जी की, जो कि मैं सूखी सब्जी बनाऊंगी और बहुत ही कम मसालों से बनाऊंगी। दोस्तों, ये मैंने पालक लिया है। इस पालक को मैंने काट के पानी से 3-4 बार अच्छी तरह से वॉश किया है। और कभी भी आप इसे दोस्तों वॉश करेंगे 2-3 बार, जैसे आपने पानी से इसको धो लिया है, उसके बाद लास्ट जब आप पानी से इसको धोते हैं तो उसमें 1 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हरी सब्जियों में बहुत मिट्टी होती है, तो जितना मर्जी हम साफ कर ले फिर भी मिट्टी रह जाती है। तो जब आप इसको पानी में छोड़ देंगे तो मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाएगी, और ऊपर ऊपर से आप पालक को किसी भी छन्नी में रख लेंगे, ताकि उसका पानी जो है, देखो मेरा पानी इधर नीचे निकल रहा है, मैंने इसको छन्नी में ही रखा हुआ है, तो ऐसे छन्नी में रख लेना जिससे पानी जो एक्स्ट्रा पानी जो है वो नीचे निकल जाएगा और पालक में मिट्टी भी बिल्कुल नहीं रहेगी। और इसके लिए मैंने ये 2 बड़े साइज के आलू लिए हैं, जिसको मैंने पानी में डिप करके छोड़ा हुआ है। इसमें भी थोड़ा सा स्टार्च होता है, इसलिए मैंने इसे पानी में डिप करके छोड़ा हुआ है। और ये आप देख रहे होंगे हरी मिर्च है, एक बारीक कटी हुई। 1 इंच का मेरा ये अदरक का टुकड़ा है, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। 1/2 लेमन लिया है। दोस्तों, ये सब्जी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनेंगी, तो चलो अब बनाते हैं हम अपनी सब्जी। मैंने गैस पर अपनी कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है। अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल। मैं 1 कड़छी ऑयल डाल रही हूँ और 1/2 कड़छी और 1.5 कड़छी हमने इसमें ऑयल डाला है। तो हमारा ऑयल गर्म हो जाए, सबसे पहले इसमें डालेंगे हम हींग। इसके बाद डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच जीरा। डाल रही हूँ अपनी हरी मिर्च और साथ में अदरक। इन दोनों को थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे पहले। अब मैं इसमें पहले छोड़ूंगी आलू। ये सारे आलू हम ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि आलू को गलने में दोस्तों थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए पहले आलू छोड़े जाते हैं। और थोड़ा सा हम इसे चला लेंगे, 2 मिनट तक हम आलू को ऐसे रहने देंगे। अभी हम पालक नहीं डालेंगे, 2 मिनट के बाद हम इसमें पालक ऐड करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं दोस्तों। अब मैं पहले डालूंगी इसमें अपने मसाले। मसालों में हमने सिर्फ इसमें हल्दी बिल्कुल नहीं डालनी है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच मैं डालूंगी लाल मिर्च, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च डाल दी है। ये मैक्सिमम खड़े मसालों से ही बनेगी सब्जी, इसमें फालतू मसाले हमने ऐड नहीं करने हैं। इसको हम थोड़ा सा चला देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना पालक। इसे हम चला देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। नमक आपके अपने स्वादानुसार होगा, मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ। मैं डाल रही हूँ इसमें 1/2 चम्मच नमक, जो कि ठीक रहेगा। थोड़ा सा इसे चला देंगे ताकि हमारा नमक सब जगह मिक्स हो जाए। दोस्तों, इसमें हम हल्दी नहीं डालेंगे। अब हम इस गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देंगे और इस सब्जी को ढक देंगे। इसमें हमने पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है, क्योंकि पालक को जब हमने पानी से धोया है तो पालक के अंदर भी पानी आ गया है। पालक में अपना भी पानी होता है
और पालक को पानी से वॉश करने के बाद उसमें पानी और ऐड हो जाता है। आप देख रहे होगे इसमें आपको पानी एक्स्ट्रा नज़र आ रहा होगा, मैंने बिल्कुल इसमें पानी नहीं ऐड किया है, आपको भी पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। अब हम इसे ढक देंगे। इसको हम 5 से 7 मिनट के बाद चेक करेंगे कि हमारे आलू गले हैं या नहीं गले। आलू गलने के बाद फिर पालक की सब्जी बहुत जल्दी बन जाती है। दोस्तों 7 मिनट हो चुके हैं, मैं इसे खोल कर देख रही हूँ। और सबसे पहले हम चेक करेंगे अपने आलू। आलू हमारे गल चुके हैं, ये देखिए मैंने आपके सामने फोड़ के दिखा था, इस पर मैं फोड़ के दिखा देती हूँ आपके सामने। ये देखिए पूरा मैश हो रहा है, हमारे आलू गल चुके हैं। आलू गल चुके हैं दोस्तों, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर अगर मैं पहले ऐड करती तो फिर सब्जी को आलू को गलने में थोड़ा टाइम लग जाता है, खटाई की वजह से सब्जी देर से गलती है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे लेमन जूस। आधी चम्मच आपने इसमें लेमन जूस ऐड करना है। ये लेमन जूस ऐड कर रही हूँ ताकि जो हमारा पालक का कलर है वो ग्रीन ही रहे, वो चेंज ना हो। दोस्तों अब ये मेरी सब्जी तो बन चुकी है, लेकिन हमने सब्जी की भुनाई करनी है। अब हम अपनी गैस को हाई फ्लेम पर कर देंगे और हाई फ्लेम पर करके इस सब्जी को हमने लगातार चलाना है, भूनना है इसका, ताकि पानी जो है बिल्कुल सूख जाए। हमारी गैस हाई फ्लेम पर है, हम सब्जी को भून रहे हैं। हाई फ्लेम पर गैस होती है तो सब्जी नीचे लगने लगती है, इसलिए कभी कभी बीच बीच में हमने इसको मीडियम फ्लेम पे भी लेके जाना है और इसको लगातार चलाना है, नहीं तो हमारी सब्जी का टेस्ट खराब हो जाएगा, हमारी सब्जी जल जाएगी, इसलिए हम इसे लगातार चलाते रहें। दोस्तों आप देख रहे हो कि मेरी सब्जी कितनी रिड्यूस हो गई है, सुकड़ गई है सब्जी, भुन गई है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 चम्मच देसी घी। देसी घी ऐड करने से सब्जी में एक भीनी भीनी खुशबू आती है जो हमें अपनी तरफ खींचती है सब्जी खाने के लिए। देसी घी थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे या मक्खन डाल देंगे तो सब्जी का टेस्ट और भी बढ़िया हो जाएगा। हम इसको 1 मिनट के लिए और भूनेंगे। आलू पालक की सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। दोस्तों आपको अगर लहसुन पसंद है, मैंने इसमें लहसुन नहीं डाला है, अगर आपको लहसुन पसंद है तो आप इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च के साथ बारीक बारीक काट के 3-4 कलियां डाल सकते हैं। और दोस्तों ये सब्जी जो है बिल्कुल शादियों जैसी बनी है, जैसी शादियों में आपको तवे के ऊपर बनी हुई सब्जी वो देते हैं, इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है। तो दोस्तों आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, पसंद आए तो हमें लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे न्यू फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों।